bounds. So well, hey, what's up everybody, Ashmi here, and I'm back with another video. तो गाइस जैसे कि हमारा रीसेंट वीडियो जो रहता था एक अबाउट सुपर बाइक्स एंड ऑल, पर मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही थी अबाउट न्यू कमिंग अपकमिंग बाइक्स जो इस साल आई है हमारे इंडिया में. तो उसके अंदर से एक बाइक है जो आज मेरे पास यहाँ पे खड़ी हुई है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा. उससे पहले आप इस बाइक के सिनेमैटिक्स एंजॉय करना, फिर इसकी डिटेल लेंगे कि इसके बाइक के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं. जैसे कि आपको पता है हर ब्रांड एक 350cc के अंदर अपना कोई एक सेगमेंट रखता ही है जो उनका टॉप नॉच होता है. तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसको आए हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने हुए हैं और इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं. तो इसका एक कंपैरिजन वीडियो भी आएगा आगे जाके, पर आज एक पर्टिकुलर वीडियो है इस पर्टिकुलर बाइक के ऊपर. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. So guys, talking about the bike, let's reveal the bike. So guys, यहाँ मेरे सामने खड़ी है Honda की CB350 Deluxe Pro variant. तो एक बार हम इसके ओवरव्यू की बात करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं. तो एक बार बाइक के एकदम जस्ट भाई को बोलूँगा कैमरा पास में ले आए. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलती है Honda की एकदम चमचमाती हुई बैजिंग. सबसे पहले इसका कलर कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, अगर आप क्या पास से आगे देखोगे कि एकदम मैट फिनिश के अंदर है कलर, ये ग्लॉसी ब्लैक के अंदर नहीं है. और यहाँ पे हाइनेस CB350 की बैजिंग है, या इंजन के ऊपर भी होंडा की बैजिंग आती है. एक बार आप इसको पूरा साइड से देखो, बाकी आपने सिनेमैटिक्स में बाइक को एंजॉय कर ही लिया होगा. बाइक कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है. बाकी मैंने नंबर छुपा दिया यार, दोस्त की बाइक है तो ज़रा थोड़ा प्राइवेसी इशूज़ है. अब अगर हम इस साइड आए बाइक के, तो इस साइड भी जो सेम अपीयरेंस उस साइड भी, इस साइड भी वही है. और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा है. एसेसरीज़ की बात करें तो इसके अंदर मोड ओवर कोई एसेसरीज़ की ज़रूरत नहीं है. आपने रॉयल इनफील्ड की कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर की सीरीज़ के बारे में जाना होगा. ये उसका एक कह लो छोटा भाई टाइप है, पर दूसरी ब्रांड में और 350cc के अंदर. ये एक स्पोर्ट्स शूटर कैटेगरी के अंदर बाइक आती है. इसके अंदर आप देख सकते हो कंपनी से एक लेग गार्ड आया है इसके अंदर. बाकी जो बाइक है वो पूरी बोन स्टॉक बाइक है. और इसके अंदर जो कंपनी से सबसे अच्छी चीज़ आती है, आप टायर्स के अंदर देखोगे अगर, अलॉय व्हील्स इसके अंदर आपको कंपनी ही देती है. आप देख सकते हो ये जो अलॉय व्हील्स, अगर हम कोई और बाइक लेते हैं तो हम किसी शॉप से लगवाते हैं, ऑलमोस्ट वो हमें कॉस्ट करते हैं 6 से 7 हज़ार रुपये तो जाता ही जाता है, पर इसके अंदर कंपनी लगा के देती है. और प्राइस कोई उतना ज़्यादा नहीं है, प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगा. और पहली बता दूँ बाइक मैं सेल के लिए नहीं बेच रहा हूँ, जस्ट इज फॉर अ रिव्यू पर्पज़ है. तो गाइस अगर सबसे स्टार्टिंग में आए तो यहाँ पर आपको एक LED लाइट मिलती है, मैं एक बार आपको जला के दिखाता हूँ. गाइस ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है, एकदम मेस्मराइजिंग. एकदम इसकी वो है, क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा डे लाइट हो रहा है तो ये पता नहीं चलेगा आपको कितनी ज़्यादा ब्राइट है, पर अगर कभी रात में मैं वीडियो बनाऊंगा या रात में रात का एक शॉट शेयर कर दूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये लाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है. सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में. तो टॉकिंग अबाउट द इंजन, इसके इंजन के ऊपर आते हैं. तो गाइस दिस बाइक कैन प्रोड्यूस अराउंड 348cc, जो इसका इंजन है वो 348cc का है. और इसके जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है वो 45 किलोमीटर के करीब है. 45 किलोमीटर क्लेम करती है, बट बाइक चलती होगी अराउंड 40 किलोमीटर और 42, क्योंकि जो कंपनी क्लेम करती है उसके ऊपर तो कभी बाइक चलती ही नहीं, ये सब आपको पता है. और जो मैक्स पावर प्रोड्यूस कर सकती है वो 21.7 PSI एंड 5500 RPM का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है बाइक. और ये फ्यूल के मामले में पेट्रोल वेरियंट है, और आपको पता ही अब सारी बाइक जो है BS6 आ रही है तो ये भी BS6 वेरियंट ही है. एक बार आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना है कि आप इस बाइक का किसके साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो, क्योंकि ये 350cc के अंदर बाइक है और मार्केट में टॉप नॉच काफ़ी सारी बाइक्स पड़ी हैं. मेरे एक रिसेंटली फ्रेंड ने एक स्टैंडर्ड भी खरीदी है, तो मैं सोच रहा था एक इसका कंपैरिजन वीडियो उसके साथ बनाया जाए, क्योंकि वो एक पूरी रॉ बाइक है और एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, तो वो कंपैरिजन में काफ़ी मज़ा आएगा. तो अब चलते हैं इसके डैश की तरफ, इसके अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं. सो गाइस पूरी बाइक के इंजन स्पेक्स के बारे में बात करने के बाद आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर बताने के लिए, तो इसकी तरफ आते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको हैंडल के ऊपर क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बता देता हूँ. यहाँ पे जो बटन से है पूरा, वो जो डैशबोर्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे हॉर्न का बटन है, यहाँ पे आपका किल स्विच है, यहाँ पे आपके मैं 1000 लाइट्स भी, अभी मैं बाइक ऑन करूँगा तो आपको चालू करके दिखाऊँगा. तो एक बार इसका स्टार्टअप देखते हैं. तो एक बार आ जाओ डिस्प्ले की तरफ, तो ये है इसका एकदम प्यारा सा स्टार्टअप. तो आप एक बार पास से देखोगे उसको
तो अभी यहाँ पे न्यूट्रल की इंडिकेशन आती है, यहाँ पे आपका गियर शिफ्ट आएगा कि आप कौन से गियर पे हो, यहाँ पे आपकी न्यूट्रल की लाइट जल रही है, यहाँ पे आपका ABS का साइन आता है। और गाइस इसके अंदर सबसे बड़ी बात, 350cc के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है आपकी इस बाइक के अंदर। सो गाइस इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो, ये इंजन चेक लाइट भी आती है इसके अंदर, और सबसे बड़ी बात तो ट्रैक्शन कंट्रोल ही है। और यहाँ पे ना आपको दो बटन्स दिए हुए हैं गाइस, ये देख सकते हो, अगर बाय चांस आप चाहते हो कि ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बंद करना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करके आप ट्रैक्शन कंट्रोल बंद भी कर सकते हो। पर मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर कंपनी ने आपको दिया है तो उसको हमेशा ऑन ही रखो, एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे एक USB चार्जर भी मिलता है, दूसरी बाइक्स में आपको आफ्टर मार्केट लेकर लगवाना पड़ता है, पर इसमें कंपनी ही दे रही है, मतलब इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो सारी कंपनी दे रही है, आपको इसके अंदर कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें इसके अंदर टॉप नॉच है। सो गाइस जैसे कि एक ये चीज़ रह गई थी बतानी, तो यहाँ पे जो आपको स्विचेस दिख रहे हैं ये बेसिकली यहाँ की ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे आपको रेंज दिख रही होगी, ट्रिप मीटर दिख रहा होगा, जितना भी ये इंस्ट्रूमेंटल डिस्प्ले है वो पूरा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं। तो मतलब पूरी इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, उसके अंदर आपको कुछ भी मैनुअली नहीं करना है, ये देख सकते हो हर चीज़ से कंट्रोल हो रही है। इससे में आप फ़ोन भी अपना कनेक्ट कर सकते हो बाय ब्लूटूथ, ब्लूटूथ की वजह से अपने इसके अंदर कनेक्ट करने के बाद इससे आप अपनी क्या बोलते हैं फ़ोन की वॉल्यूम वगैरह सेट कर सकते हो। और गाइस डीलक्स और डीलक्स प्रो वेरिएंट में एक और फ़र्क है, इसके अंदर डुअल ऑन आता है, और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर ब्लूटूथ आता है, जिसकी वजह से आप अपना फ़ोन इसके अंदर कनेक्ट करके उसको यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो उसकी वॉल्यूम वगैरह। और जो डीलक्स प्रो वेरिएंट है उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आती है, डीलक्स के अंदर नहीं आता ये। तो आप सबसे पहले चलते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट की तरफ, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाउड नहीं है पर बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, एकदम बेसी आवाज़ है। तो इसको करता हूँ मैं, पहले तो आप इसको एकदम शांति से सुनो कि इसकी कितनी प्यारी आवाज़ है, एकदम दुख दुख। अब मैं इसको थोड़ा सा रिफ करता हूँ एकदम हल्का सा, तो भाई मेरे को पता नहीं आपने नोटिस करा है नहीं करा, पर जब मैंने फर्स्ट बार रेफ करा था तो इसने क्रैकलिंग भी करी थी थोड़ी बहुत। और 350cc बाइक में स्टॉक एग्जॉस्ट में जो क्रैकलिंग करते हैं मतलब वो बाइक बोन स्टॉक है। तो गाइस बाइक दिखाने के टाइम में एक दो चीज़ें भूल गया था, आप इसके मडगार्ड के ऊपर आओगे तो ये पूरा क्रोम है इसके अंदर, आप देख सकते हो मेरी शक्ल तक दिख रही है, ये इतना शाइन करता है, मडगार्ड क्रोम है। और जो पीछे वाला मडगार्ड है वो भी पूरा क्रोम में है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर कंपनी ने फिनिशिंग बहुत अच्छी दी है, आपका पूरा एग्जॉस्ट क्रोम फिनिश में आता है। और अगर आप इस साइड आओगे तो इस साइड से भी जो पूरा इंजन है वो क्रोम में ही है, मतलब लिटिल बिट पूरा क्रोम में अंदर ही है। और इसके अंदर जो ABS आता है वो डुअल चैनल ABS है, इसके अंदर डुअल चैनल ABS है। और अगर डिस्क ब्रेक की बात करें तो इसमें फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक आती है और रियर टायर में भी डिस्क ब्रेक आती है। बाकी इस बाइक के अंदर बताने के लिए और कुछ मेरे को नहीं लगता है नेसेसरी है, अगर आपको एक बाइक परचेज करनी है तो आप जा सकते हो, उसको आए हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 महीने ही हुए हैं। और एग्जॉस्ट नोट आपने सुन लिया, इसके अंदर आपको चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी फिटेड ही, आवाज़ बहुत प्यारी है। और इससे ऊपर लगवाओगे तो फिर चलाना वाला आपको पता ही है, तो नॉर्मल रहने दो बाइक को, एकदम रॉ मशीन रहने दो। आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, एक भी तिनके का दाग नहीं है बाइक के ऊपर, क्योंकि बाइक ऑब्वियसली अभी नई है। सो गाइस इन द एंड ऑफ द वीडियो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो जो ऑन रोड प्राइस आ रहा है वो इसका आ रहा है 220 के अराउंड, और जो एक शोरूम प्राइस है उसका है 1,92,000 के अराउंड। और अगर आप इसका इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ लेते हो तो वो आपको 230 तक की पड़ी जाओगी। और अगर 2,30,000 के बजट के अंदर आपको इतनी प्यारी बाइक मिल रही है जिसके अंदर दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक्स है और इतनी अच्छी इसकी जो कहते हैं रोड प्रेजेंस है, और इसके अंदर दोनों साइड अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, पर एक जो है डिसएडवांटेज इस कंपनी का जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि एट द टाइम ऑफ सर्विस इसकी जो सर्विस है वो काफ़ी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब जो कंपनी क्लेम करती है जो प्रोडक्ट बनाती है कि हाँ हम अपने कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करेंगे, उतनी सेटिस्फेक्शन मिली नहीं एट द टाइम ऑफ सर्विस। सो गाइस इस बाइक के काफ़ी सारे यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, तो 2020 का जो मॉडल था उसके इंजन में एक प्रॉब्लम आई थी जो अब कंपनी ने सही कर दिया, वैसे तो फिर भी सारी बाइक्स के अंदर प्रॉब्लम आई थी, इस बाइक के अंदर भी आई थी, पर ये कंपनी गई थी, ठीक हो चुकी है। बाकी यार इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं के ऊपर, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताने कि आपको ये बाइक की वीडियो कैसी लगी, सिनेमैटिक्स कैसे लगे, और सबसे बड़ी बात एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा, पूरा रॉ एग्जॉस्ट है, बाहर से नहीं लगवाया गया, जो कंपनी देती है वही एग्जॉस्ट है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें, और मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है अबाउट दिस बाइक और मेरे कैमरामैन को भी कर लें, वो पीछे से बोल रहा है मेरे को भी, उसका भी इंस्टाग्राम आ रहा होगा यहाँ पे, दोनों कर लो, जो नेक्स्ट शूट है वो उसी की बाइक का होने वाला है। ये था पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक, अगली बाइक होने वाली है पूरी रॉ बाइक, पूरी रॉ जिसे कहते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्ट्री वॉलॉग साइनिंग आउट टुडे, टिल देन बाय बाय।